style. Style is the answer to everything. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने लुक किया है नो फाउंडेशन लुक। सो मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, जस्ट कंसीलर से मेकअप किया है। और मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि कहाँ का किस किस पार्ट पर मैंने कंसीलर यूज़ किया है। और थोड़े से कंसीलर से मैंने इतना अच्छा लुक क्रिएट करा है, इवन ये बहुत ही नेचुरल लग रहा है। आप इस मेकअप को कहीं भी कर सकते हैं, आप कॉलेज जाएं तो कर सकते हैं, आप मतलब कहीं भी कर सकते हैं। ये इतना नेचुरल मेकअप लग रहा है ना। तो इस मेकअप को देखने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो यहाँ पर मैंने मेरी मेकअप स्टूडियो की पैलेट ली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसीलर पैलेट है। तो यहाँ पर मैं अपना कंसीलर यूज़ करूँगी जो मेरी स्किन टोन के हिसाब से होगा। आपके पास जो भी कंसीलर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मेकअप स्टूडियो की कंसीलर पैलेट है जिसमें कंसीलर और कंटूरिंग दोनों हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेकअप। बहुत ही लाइट सारी चीज़ें यूज़ करूँगी क्योंकि मेकअप भी हमारा बिल्कुल नेचुरल लगेगा। तो मैं यहाँ पे अंडर आईज के नीचे लगाऊंगी थोड़ा कंसीलर। मेरे डार्क सर्कल्स नहीं है तो मुझे ऑरेंज करेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप पहले ऑरेंज करेक्टर यूज कर लें। आप पहले देख लें कि मैं अपना कंसीलर कहाँ का यूज कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे कोई भी स्पॉट है तो आप हल्का हल्का वहाँ पर अपना कंसीलर यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हाइड हो जाए। मैं यूज़ करूँगी कंटूरिंग जो कि बहुत ही लाइट है, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं है क्योंकि मेरा जो फेस है वो ऑलरेडी बहुत ही पतला है, स्लिम है। तो मैं कंटूरिंग बहुत कम यूज करती हूँ। अब हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको पूरा ब्लेंड कर लेंगे। हम फाउंडेशन यूज नहीं कर रहे तो हम कंसीलर को ही पूरे फेस पे स्प्रेड करेंगे। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है हमें। बस थोड़े से कंसीलर से ऐसा लगेगा हमने फाउंडेशन यूज किया है। और मेकअप भी इतना फ्लॉलेस प्लस नेचुरल, आप कहीं भी किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। प्लस फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं सारे, दिवाली आ रही है, अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद दिवाली, भैया दूज और दशहरा एंड ऑल, काफी चीजें, न्यू ईयर वगैरह सब आ रहे हैं। तो काफ़ी नेचुरल आप ये मेकअप कहीं भी करके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा ब्लेंड कर लिया है मैंने एंड इट्स लुक सो सो नेचुरल, यू कैन सी।
सो ब्लेंडिंग का काम हमारा हो गया है। थोड़ा सा मैं आइस पे भी ब्लेंड कर लेती हूँ, जितना भी ब्लेंडर पे लगा होगा थोड़ा बहुत लग जाएगा आइस पे। तो यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ, लूज पाउडर नहीं यूज कर रही, क्योंकि कंसीलर यूज हुआ है तो कॉम्पैक्ट भी चल जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन हम लोगों ने ज्यादा यूज नहीं करा है। तो कॉम्पैक्ट जो है हमारा अच्छे से फेस को कवर कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इनसाइड का कॉम्पैक्ट लिया है, तो ये मेरे शेड का ही है। ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ कंसीलर यूज़ करा है। सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, अपनी आईब्रो फिल्स करने जा रही हूँ। ये मेरा जो मस्कारा है मैं इससे करूंगी। ये मेरा मस्कारा ड्राई हो चुका है, मेरे पास दूसरा मस्कारा भी है जो बिल्कुल न्यू है, और ये जो है ड्राई हो चुका है। तो ड्राई मस्कारे को भी मैं यूज़ करती हूँ आईब्रो फिल करने के लिए, इससे बड़े ही नेचुरल फील होती है। यू कैन सी दैट, अब इसमें ऑलरेडी ब्रश होता है ना, आपको इसका आईब्रो का एक्सेस हटाने की जरूरत है ना कुछ, तो बहुत ही नेचुरल फील हो जाती है। सो यहाँ मेरी आईब्रो भी हो चुकी है डन। तो मेरी आईब्रो भी फिल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने एनवे बेक का क्रीमी ब्लशर लिया है, जो कि नेचुरल मेकअप कर रहे हैं, और क्रीमी ब्लश बिल्कुल नेचुरल लुक ही देते हैं। मैं ब्लेंडर से ही इसको ब्लेंड करूंगी। इतने प्यार से ब्लेंड हो चुका है पूरा, देख सकते हैं बिल्कुल ही नेचुरली मेरा जो ब्लशर है वो ब्लेंड हो चुका है। और अब मैं यूज करने जा रही हूँ हाइलाइटर, वो भी बहुत ही लाइट में यूज करूंगी, जस्ट टैप करके लिया है एंड बस, बहुत ही लाइट। हमारा रह गया है मस्कारा, जो कि मैं काफी सारी लेयर्स के साथ लगाऊंगी। इसका ब्रश थोड़ा मैंने टेढ़ा कर लिया ताकि ये इजीली लगे। वॉल्यूम यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस आई, मतलब हर चीज से काफी फर्क पड़ता है। तो इस वाली नीचे वाली आंख में मैंने मस्कारा लगा लिया, नीचे वाले आईलैशेस पे हम लगा रही हूँ मैं।
लिपस्टिक आपकी चॉइस है कि इतने लाइट मेकअप पे आप बोल्ड बोल्ड लिप्स के साथ जाते हैं या सॉफ्ट लिप्स के साथ? तो मैं सॉफ्ट की लिप्स के साथ जाऊंगी कि मुझे न्यूड शेड्स ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पेंसिल ली है बहुत न्यूड शेड की और मैं अपने लिप्स को शेप दे रही। जिसके आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिप्स अपने आउटलाइन कर लिए हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर उससे ही थोड़ा सा डार्क शेड की लिपस्टिक। हल्का सा ब्राउन शेड ले रही हूँ बिल्कुल ही लाइट। परफेक्ट।